सन 31 में 275.52, 41 में 314.77, सन 51 में 356.88, सन 54 में 377 तक आबादी बढ़ गई। सन 54 में कितना अनाज पैदा हुआ, आप में से कोई बता सकता है? यस मिस्टर चंदर, यू मिस्टर उमेश, मिस्टर पाठक, मिस्टर सन एंड यू मथुरा दास, सेडम सेडम। मैं जानता था कि तुम में से कोई भी जवाब नहीं दे सकेगा। मैं बता सकता हूं सर, 67.72 मिलियन टन। वेरी गुड प्रकाश, यानी हर शख्स के हिस्से में तकरीबन 2 टन आ जाता है, और अगर आबादी इसी तरह बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाएगा, और जब इंसान इस बढ़ती आबादी को नहीं रोकता तो कुदरत अपना कहर नाजिल करती है, कहत पड़ते हैं, बीमारियां फैलती हैं, जिंदगी महंगी और मौत सस्ती हो जाती है, और इसी का नाम है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। सर, मिस्टर प्रकाश, यू आर वांटेड आउटसाइड इमीडिएटली। जी, क्या बात है लाला जी? प्रकाश, तुम्हारी भाभी को भैया 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 जल्दी घर करो, मैं दाई को लेके आता हूं। जल्दी चल। हाय राम, अभी तो घर भी आ गया है। चल मोरी ना, अभी कलाई मरोड़ के रख दी। ओहो, तेरी कलाई पर चमेली के तेल की मालिश कर दूंगा, अंदर तो जा। हाँ मकाई ना, जरा जल्दी करो ना, तो लक्ष्मी की तबीयत बहुत खराब है। ऐसी भी क्या दवाई है, तुम दोनों तो मेरे नाक में दम कर दिया। बच्चा तो भूखा होगा, पेट में तुम दोनों के दर्द है। ला तो एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। पानी क्या, मैं तुझे दूध पी लाऊंगा, लेकिन भाभी को तो जाके देख। दूध ही नहीं, चांदी का लोटा लूंगी। ओहो, अरे चांदी का क्या, मैं तुम्हें तो सोने का लोटा दे दूंगा, सोने का, लेकिन उसकी तबीयत खराब है इस वक्त, जल्दी चल के देखो ना। भैया, मुन्ना हुआ है, मुन्ना हुआ है।
लीजिए। बधाई हो, बधाई हो। बहुत सफाई होती रहेगी, पहले लड्डू खाइए लड्डू। अरे भाई लड्डू बाद में खाऊंगा, अभी गंगू की आवाज आएगी। ओ लाला, अरे भाई पूजा का वक्त हो रहा है, मशीन बंद कर दे। लक्ष्मी माता, 5 सेर का लेवी लगाकर पूरे 4.5 सेर तेल भर रहा। आज एकादशी का दिन, इसलिए ईमानदारी से काम लेना ही ठीक है। हे लक्ष्मी माता, दाल रोटी के लिए तो सारी दुनिया ही बेईमानी करती है, पर मैं ऐसा मूर्ख नहीं सूखी रोटी के लिए बेईमानी करूं। तेरे भक्त को तो कुछ लड्डू, तू धन है माता। अच्छा लड्डू उधर नहीं है। क्या है? मंगल भैया के घर बेटा हुआ, आइए आपके लड्डू। इस शहर में घर घर बच्चे हो रहे हैं, बड़ी कृपा है भगवान। ओहो, ये तो मेरे ही तेल के हैं। भगवान तुझसे बहुत प्रसन्न है मंगल, हमारा आशीर्वाद है। ये पालना हमेशा झूलता रहे। अरे कितना सुंदर है। फैमिली प्लानिंग सेंटर से आई हूँ, आपके घर के सुख के लिए कुछ कहना चाहती हूँ और ये किताबें लाई। अब
हमें विश्वास नहीं है। बैठो बैठो ना, क्या बात है? वो खान, बात यह है कि मैंने आपसे रुपए लिए थे ना, तो वो अच्छा अच्छा वापस नहीं दे सकता? नहीं नहीं खान, हम देगा, वापस देगा, लेकिन वो अभी जरा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये तो हमारा दौंदा है, और कितना मांगता है? खान बात यह है कि वो बच्चों की फीस देनी है। हाँ तो 20 रुपए। 20 रुपये? अच्छा खुद रखो, हम पटौन बच्चा है, फासल के साथ ब्योज भी वसूल करेगा मंगल भाई। सब देगा खान, सब देगा। हाँ। हम सब देगा। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा मंगल, तू यहाँ? लाला जी कुछ पैसों की जरूरत थी। लाला जी ये बात प्रकाश से मत कहिएगा, हम खा परेशान होगा। कुछ ये काय को कहेगा, ये भी तो हमारा स्वामी है। आओ लाला जी आओ। ठहरिए लाला जी, लाइए मैं रख देता हूं। प्रकाश तू ऐसे मेरा काम कब तक करता रहेगा? तू कॉलेज वॉलेज छोड़कर मेरे साथ काम पे लग जा, तुझे 4 पैसे की आमदन हो जाएगी और मेरा काम भी चलता रहेगा। मगर लाला जी आप तो कहा करते थे कि हमें जरूर करना चाहिए। कहा तो करता था मगर मगर बेटा वक्त बदल चुका है, समझदारी इसी में है कि आदमी वक्त देखकर चले। आज आप कैसी बात कर रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ प्रकाश, मैं चाहता हूँ कि अब तू कुछ कमाने लगे, क्योंकि क्योंकि आप मेरी मदद को एहसान समझने लगे। अच्छी बात है, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अरे सुन तो, अरे तू मुझे गलत समझ बैठा है, जब मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था है? मेरा चश्मा अभी तक बन के नहीं आया है और एक कहानी का प्रूफ ठीक करना है। अच्छा तो ये शर्त है कि आप ऐसी बातों पर कभी नहीं करेंगे? अच्छा बाबा नहीं करूंगा। अच्छा तो बताइए वो प्रूफ कहाँ है? प्रूफ देख उधर शायद मेज पे होगा। लाला जी यहां तो कुछ भी नहीं है। नहीं है? अरे भाई मैंने तो यही रखा था, उसे तो नहीं देख लो बेटा। ये बैल क्या खा रहा है? अरे प्रकाश ये तो उसी प्रूफ की जुगाली कर रहा है। ये गंगू का बैल है ना? हाँ। अभी इसकी हड्डी पतली ठीक करता हूं। तेरी ऐसी जो हमारे गंगू पे हाथ उठाया। हाँ? खूंटे में बांध के क्यों नहीं रखते हो? क्यों खूंटे से बांध के रखे? तुम अपना दरवाजा बंद करके क्यों नहीं रखते? हाँ? ये बात है तो ऐश करो, ये बैल अब तुम्हें नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे नहीं? हाँ छोड़ दो हमारे गंगू को। नहीं मंगू को। हाँ मंगू को छोड़ दे प्रकाश, बड़ा उसका मामला है, खामा खा क्यों जिद करता है? काम के कागज खा गया है और आप कहते हैं कि छोड़ दूं? कागज ही तो खाए हैं, कौन से लड्डू खा लिए? छीन ले बैल, भागे। देश में पीछे हट जा। आगे बात मैं कहता हूँ पीछे हट। आगे बात हट पीछे। देख लाला
इसे समझा रहे मेरा वक्त बर्बाद ना करे। गाड़ी का वक्त हो रहा है, मुझे अपनी बेटी को लेने स्टेशन जाना है। संध्या रे, अरे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? अरे खोलो खोलो। गेले चाहते अपना बैल चल चल बेटे से रोट। अबे उधर नहीं, बैल आ गया। चल संध्या को लेने चलते हैं। चाहते मैं भी चलता हूँ, धूमधाम से ले आएंगे संध्या। कोई जरूरत नहीं धूमधाम की, मेरी बेटी आ रही है, कोई लीडर नहीं आ रहा। चल भाई चल, लेके चल। अच्छा चल भाई चल चल। चाचा इतनी खुशी का दिन है, मुझे भी साथ ले चलो ना। तुम्हारी तुम्हारी बैलगाड़ी चलाऊंगा। बैलगाड़ी चलानी मुझे खुद आती है। जाओ जाओ अपना काम करो। कौन देश है जाना बाबू, कौन देश है जाना बाबू, कौन देश है जाना। अरे भाई जल्दी कर, जल्दी गाड़ी आ रही होगी। काका भाई बाबू जल्दी नहीं जाता हमार है, जो अखबार पढ़कर हड़ताल करते हैं, इसने अखबार आकर ही हड़ताल शुरू कर दी। लाभ ये देखो, अगर मैं बैल का घोड़ा ना बना। बाबू साहब जनता ट्रेन कब आने वाली है? लेट है क्या? बाबू साहब मैं आपसे जनता ट्रेन के बारे में पूछ रहा हूं। एक्सप्रेस को गए हुए आधा घंटा हो चुका है, क्यों अपना वक्त खराब कर रहे हो? बाबू साहब एक बात बताइए, अभी जो सवारियां आई थी उनमें आपने किसी लड़की को देखा? ए मिस्टर, हम लड़कियां नहीं देखते, टिकट देखते हैं। और फिर हमको क्या मालूम वो कौन है, कहां की है, कैसी है? जी वो उसके लंबे लंबे बाल हैं, बादाम सी आंखें हैं और सुराहीदार गर्दन है और सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। सबसे ज्यादा खूबसूरत? अरे मिस्टर सबसे ज्यादा खूबसूरत तो मेरी बीवी है। मैं लेकिन मेरी बीवी के बारे में तुम कैसे पूछ सकते हो? मैं आपकी बीवी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं गंगू तेली की लड़की के बारे में कह रहा हूँ, मैं संध्या के बारे में कह रहा हूँ। अकेली आ रही है, रास्ता भूल सकती है और चार बरस के बाद आ रही। अरे मिस्टर मेरी बीवी चार दिन के बाद मैके से वापस आई और मैं नहीं पहचान सका। तुम चार साल के बाद कैसे पहचानोगे? अजी पहचानने वाले कयामत की नजर रखते हैं। हाँ हाँ तो जाओ उस तरफ, दो चार लड़कियां गई हैं, पहचान लो। यूं पहचान लोगा? ये झिझकने ये ठिठकने ये लुभान की अदा तू वही है, कह रही है
सर झुकाने की अदा ठुमक 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 हाय चली है तू किधर तब से तेरी खातिर फिरता हूँ मैं दर बदर ठुमक 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 हाय चली है तू किधर छुपाना जुल्म ढाना आजमाना छोड़ दे मुँह छुपाना जुल्म ढाना आजमाना छोड़ दे मिल गए दिल खिल गए दिल अब सताना छोड़ दे ठुमक 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 हाय चली है तू किधर सब से तेरी खातिर फिरता हूँ मैं दर बदल ठुमक 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 हाय चली है तू किधर तू हंसी है नाजनी है ये तो है दिल को यकीन तू हंसी है नाजनी है ये तो है दिल को यकीन आँख उठा कर देख दिलबर कुछ बुरे हम भी नहीं ठुमक 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 हाय चली है तू किधर कब से तेरी खातिर फिरता हूँ मैं दर बदल ठुमक 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 हाय चली है तू किधर गुनगुनाती मुस्कुराती लौट आई है बहार गुनगुनाती मुस्कुराती लौट आई है बहार ले गई थी एक कली और फूल लाई है बहार ठुमक 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 हाय चली है तू किधर कब से तेरी खातिर फिरता हूँ मैं दर बदल ठुमक 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 हाय चली है तू किधर तू तू चली है तू किधर जिसकी याद बहुत अच्छे से मेरे दिल में घर की है मैं सच कहता हूं अगर लाजो और बिंदु नहीं होती तो मेरा जी कभी नहीं जाएगा कौन है लाजो अगर लड़कियां हैं तीन लड़कियां जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं तीन लड़कियों से एक साथ और सिर्फ मैं उनसे प्यार नहीं करता हूं वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं बहुत अच्छी बात है और मजे की बात तो यह है कि एक तो मेरे बगैर खाना ही नहीं खाती है और दूसरी हर रोज रात को पहले मुझसे कहानी सुनती है फिर अपनी सुनाती है और तीसरी तो सोचती ही नहीं जब तक मैं उसके साथ न सोऊं क्या इसमें हैरान होने की क्या बात है आप भी जब उनसे मिलेंगी तो प्यार करने लगेंगी उनसे वो है ही प्यारी प्यारी हाँ है ही बड़ी प्यारी प्यारी मेरा बस चले तो मैं तीनों को गोली से उड़ा दूं। एक संध्या खबरदार जो मेरी भतीजियों के बारे में कुछ कहा था क्या तीनों मेरे भैया की प्यारी प्यारी बेटियां हैं ओह ओह ओह
ये क्या मजाक है, हंसते चली जा रही हो? प्रकाश, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या है? छोड़ इन बातों, ये तो बताओ भाभी को तीन लड़कियां भी हो गई? तीन लड़कियां? तीन लड़के भी हो गए? देखिए, अगर इज्जत हो तो आपसे एक बात कहनी। हाँ बोलो बोलो। वो बात ये है, बात ये है देव जी, घर में छह बच्चे हो गए, खर्चा बहुत बढ़ गया, अगर कुछ तरक्की हो जाती तो। देव जी तरक्की क्यों करेंगे, खर्चा बढ़ गया है तो भाई से नौकरी कराओ, रात दिन आवारा फिरता रहता है। गंगू चाचा, प्रकाश को कुछ मत कहना, हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता है। अव्वल कहूंगा, सौ बार कहूंगा, वो मुझसे बगैर पूछे मेरी लड़की को स्टेशन लेने चला गया, मुझे गाड़ी से गिरा दिया, मेरी गाड़ी तोड़ दी, आवारा नहीं तो और क्या। बस बस गंगू चाचा, तुम्हें बात का पतंगड़ बनाना बहुत आता है, फिर भी मैं उसे समझा दूंगा। इसका एक पैसा भी तरक्की मत कर। बड़ी तुम तरक्की को कहता है, हम तो तुम्हारे तेज का दाम भी कम करने वाला है। ना तेल भर रहा है टीन में? पाँच फेर का टीन है, पाँच फेर तेल भर रहा हूँ। बाप का माल है, पाँच फेर भर रहा हूँ, चार फेर क्यों नहीं भर रहा? बापू क्यों नहीं मानी करते हो? तू मत बोला कर इन बातों में। हाँ तू गई कहाँ थी? मंगल दादा के घर। मंगल दादा के घर? अरे वहाँ प्रकाश तो नहीं था? अगर होता तो कितना अच्छा था, उससे भी मिल लेती। उससे भी मिल लेती? उससे कभी मत मिली हो, वो एकदम आवारा और गुंडा आदमी है। मैंने मंगल से उसकी शिकायत कर दी है और लाला से भी कह दिया है कि अगर वो प्रेस में आया तो प्रेस बंद करा दूंगा, मैं बहुत सख्त आदमी हूँ। काका मैं भी बहुत सख्त आदमी हूँ, कहो तो प्रकाश भाई मिनट में ठीक कर दूं। कभी तेरे बाप ने भी किसी को ठीक किया है? नहीं। जा तेल भर। लाला प्रेस बंद कर दो, पूजा का वक्त हो गया है। अरे यारो, अरे प्यारो, सुनो सुनो सुनो। प्रकाश प्रेस में आया तो प्रेस उठवा दो। अरे वो भी अब प्रेस उठाएगा, मैं उसका घर ही उठा देता हूँ। घर उठाने की जरूरत नहीं मेरी बात। आओ यारो, आओ प्यारो, देखो खेल निराला, राम सैयारी करता है इंसान को ठगने वाला। हाँ ऐसे बगला भक्तों से तुम बच के रहना जी, हाँ बच के रहना जी। हाँ ऐसे संत महंतों से तुम बच के रहना जी, हाँ बच के रहना जी। सुनो भाई, पूजा खोटी खोटी, नियत खोटी खोटी, पर खोटे सारे धंधे, सारे धंधे खोटे। पर पूजा खोटी, नियत खोटी, खोटे सारे धंधे, उल्फत का हर खेल बिगाड़े नफरत के ये बंदे। हाँ इनके खोटे धंधों से तुम बच के रहना जी, हाँ बच के रहना जी। हाँ नफरत के इन बंदों से तुम बच के रहना जी, हाँ बच के रहना जी। हाँ ऐसे बगला भक्तों से तुम बच के रहना जी, हाँ ऐसे बगला भक्तों से तुम बच के रहना जी। हाँ ऐसे संत महंतों से तुम बच के रहना जी, हाँ ऐसे संत महंतों से तुम बच के रहना। घबराओ मत बेटा, मैं अभी तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। बच के रहना जी, हाँ बच के रहना जी। दिन प्यार के
साथ में जीना है मरना क्या, नजर मिलाई तो दुनिया से डरना क्या, हमें मोहब्बत में जीना है मरना क्या, नजर मिलाई तो अपनी आंखों से देखा है, लड़का कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, बाद बाद में पुलिस को बुला लाते हो, पुलिस ना हुई बाबा की खेती हुई। हवलदार तुमने तो छोड़ दिया पर मैं नहीं छोड़ूंगा, कहाँ जाएगा बच्चे, कहाँ के बच्चे, मैं तेरी थाने में रपट लिखाऊंगा, तुझे तेरी पार कराऊंगा। क्या हुआ गंगू? लाला ये पूछो क्या नहीं हुआ, ये बदमाश मेरी लड़की से छेड़खानी कर रहा था, मैं इसकी हड्डी पसली है। गंगू भैया ताली तो दोनों ही हाथों से बजती है, अगर प्रकाश संध्या को चाहता है तो संध्या भी तो प्रकाश को चाहती, तो मैं संध्या को कहाँ छोड़ो, मैं उसको ठीक करता हूँ। राम 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 राम, कन्या पर हाथ उठाओगे? अरे कन्या तो लक्ष्मी का रूप होती है, याद रखना लक्ष्मी हमेशा के लिए तुम्हारे घर से रूट जाएगी। लाला फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। गंगू ऐसे मामलों में बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, तुम इस तरह चीखोगे चिल्लाओगे तो बेकार बदनामी। अच्छा देखो मेरा तो ये ख्याल है कि तुम प्रकाश और संध्या की शादी कर दो। प्रकाश और संध्या की शादी कर दो? हाँ हाँ, इसमें हर्जी क्या है, अरे प्रकाश तो बड़ा नेक और शरीफ लड़का है, पढ़ लिख कर ढेर सारा कमाएगा। अच्छा? हाँ उसके विचार बड़े ऊंचे हैं। अच्छा? हाँ अरे उसका बस चले तो वो तो सारे हिंदुस्तान को जन्नत बना दे। अच्छा? वो बेकारी और गरीबी को हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। अच्छा? गंगू वो कहता है कि भूख और मुफलिसी की जड़ ये बढ़ती हुई आबादी है, इसलिए बच्चे कम पैदा करने चाहिए। लाला प्रकाश के विचार बड़े नीच, बच्चे भगवान की देन है, जिस घर में बच्चे नहीं वो भूतों का घर है, जो बच्चों को रोकता है वो महापापी है, और मैं किसी पापी से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगा। गंगू अरे गंगू मर गया। बाबू सोना भाई आप मेरी लड़की देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अजी आप भी हमारे लड़के को देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। अच्छा अजी बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। अक्सर बच्चे माँ पर जाते हैं। जिस घर में बच्चे नहीं वो घर घर नहीं, वीराना है, जंगल है, सुनसान है। हर घर में दो दो दर्जन बच्चे होने चाहिए, खाना खाएं तो लगे बारात आ गई, खेलें तो लगे फुटबॉल की टीम आ गई, और जब बोले तो ऐसा लगे जैसे दुनिया भर के गवाही सुर मिला रहे हो, और जब रोए तो ऐसा लगे कि जैसे ये तू बोल रहा है। हाँ चाचा ये मेरे अपने विचार है, मैं किताब लिख रहा हूँ। पर वो लाला तो तेरे बारे में कुछ उल्टी बातें कर रहा था। क्या कह रहा था?
वो कह रहा था कि तुझे बच्चे अच्छे ही नहीं लगते। झूठ है, सरासर झूठ है। क्या खेला लो तो मेरे खिलाफ ऐसी बात करना, मैं पूछता हूँ जाने दे, जाने मजाल क्या है? अरे गोली मार लाना, मुझे इस पर यकीन आ गया और मैं खुश हूँ कि तेरे और मेरे विचार कितने मिलते हैं। वो तो चाचा आपको लोगों ने फटका दिया, वरना आप तो जानते हैं कि मैं... नहीं नहीं नहीं, अब मैं किसी की बात में आने ही वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से नहीं करना चाहता। क्यों? इसलिए कि आपका लड़का आपकी माँ पर, आपकी बीवी पर गया। जाइए घर, वापस जाइए। वापस जाए? हाँ हाँ, कह दिया ना, वापस जाओ। मुझे लंबी नाक वाले लड़के पसंद नहीं। अरे तो चपड़ी नाक वाला ढूंढ लो। चलो जी, ढूंढ लेंगे। चलो लड़के वाले, लड़का है तो लड़कियाँ हजार। अरे जा, एक पैदा कर दिया तो समस्या कमाल कर दिया। जिस घर में बच्चे नहीं वो घर घर नहीं, जंगल है, वीराना है, सुनसान है। हर घर में दो दो दर्जन बच्चे होने चाहिए। जब भय तो ऐसा लगे जैसे बारात आ गई, जब खेले तो ऐसा लगे जैसे फुटबॉल की टीम आ गई, जब रोए तो ऐसा लगे जैसे दुनिया भर के गवाइये सुर मिला रहे हो, और जब हंसे तो ऐसा लगे जैसे जो मुंह में आता है बोले जा रहे हो। अरे तू इसे बड़बड़ कहती है? अरे इसी बड़बड़ ने तुम दोनों को यहाँ नहीं आने दिया। संध्या, संध्या, ये कौन सा अंतर था? दरवाजा खोलो संध्या। मैं अभी नहीं खोल सकती, मैं नहा रही हूँ। नहा रही हो? हाँ। अच्छा अच्छा, नहाओ, तब तक मैं घास लेकर आता हूँ। बोले घास खा के आओ। अपना भी जवाब नहीं भगाने में तो बटेश्वर को भगा दिया और उधर उनको भगा दिया। ये उनको कौन है? वही जो मेरी संध्या के मुझसे छीन के ले जा रहे थे। ले जाते, तुम्हारा क्या जाता? मेरा क्या जाता? मेरा सब कुछ चला जाता। झूठे, मैं तुम्हारी सब कुछ नहीं हूँ। सब कुछ नहीं हूँ तो कुछ कुछ। तुम्हारी यही तो बातें हैं जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच के लाती हैं और वापस जाने नहीं देती। तुमसे एक बात करनी है। क्या? तुम्हारे बापू को तो मना दिया है, अब तुम भी तैयार हो जाओ। किस लिए? शादी के लिए। संध्या बस अभी की बात का इंतजार है, कब मैं एमए की डिग्री लूं और कब अफसरी की कुर्सी पर बैठती हूं। संध्या, तू अब छोटी मोटी नहीं है, एक अफसर की बीवी है। तुम्हारे पास एक बंगला है, गैराज है, मोटर है। बंगला, गैराज, मोटर? ना भाई ना, मैं तो मोटर वोटर में नहीं बैठूंगी। बापू से कहूंगी हमें तो बैलगाड़ी दे दो। की ना मेरी तेलियों वाली बात। चल बैठ मोटर में, बैठ। ओहो, मोटर तो आने दो। मैं भूल ही गया था कि मेरे पास कुछ भी नहीं।
रास्ते में डॉक्टर के यहाँ चला गया था, उसके 20 रुपए का बिल था तो वो तो दे आया, बाकी ये 70 रुपए बचे। ये मकान का किराया, बनिए का और दूध वाले का कितना होता है? 60 रुपए। 60 रुपए? तो इसका मतलब है कि इस महीने भी पठान को कुछ नहीं दे सकेंगे। माँ, मुझे सर्दी लगती है। जा कंबल उठ के बैठ जा। माँ मुझे भी सर्दी लगती है, मुझे भी कंबल दो। दूसरा कंबल कहाँ है? जा तू भी राजा के पास जाके बैठ जा। डॉक्टर ने कहा है मुन्नी को निमोनिया है, इसे कंबल उड़ाकर जल्दी से। कंबल? कंबल तो जल गया। जल गया? जल कैसे गया? बच्चों को सर्दी लग रही थी, मैंने कंबल ओढ़ने को कह दिया। मुझे क्या मालूम था कि वो आपके पास जा बैठेंगे। लेकिन लक्ष्मी तुम्हें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अब मुन्नी को क्या उड़ाएंगे? मैं संभाल लूंगी मुन्नी को। तुम कैसे संभाल लोगी? भगवान न करे मुन्नी को कुछ हो गया तो, और फिर मुन्नी के अलावा दूसरे बच्चों की भी तो रात कटनी मुश्किल है। नहीं लक्ष्मी नहीं, कंबल लाना ही पड़ेगा, कंबल लाना ही पड़ेगा, कंबल लाना ही पड़ेगा। पालना कहाँ है भाभी? भाभी पालना कहाँ है? मैं इस पालने के 4 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। घुन लगी लकड़ी है, जलाने के काम आएगी। सोच क्या रहे हो? ये लो चारा, नहीं और लो, अब कुछ नहीं कहना। मैं जानता हूँ सेठ, ये कहने की जगह नहीं, सिर्फ सुनने की जगह। पालना बेचकर कंबल लायो भैया। आज
पालना बेचा है, कल किसे बेचोगे? बच्चों को? मम्मी को बुखार है और सर्दी से बचाने के लिए। सर्दी से बचाने के लिए तुमने पालना बेचा, हमारा तन ढकने के लिए भाभी के जेवर बेचे, दो वक्त का राशन लाने के लिए घर की एक एक चीज बेच डाली। घर गृहस्थी के मामले में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। कैसे जरूरत नहीं है? तुम इतनी बड़ी गृहस्थी के बोझ से दबते चले जाओ और मुझे कंधा भी न देने दो। इधर देखो भैया, मेरी आंखों में देखो, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? क्या तुम्हारा दुख मेरा दुख नहीं है? सो तो ठीक है प्रकाश, मगर तेरी उम्र अभी पढ़ने की है। पढ़ना पढ़ना पढ़ना, क्या फायदा उस पढ़ाई से जो भाई की कमर तोड़ दे? क्या फायदा उस डिग्री से जो इन बच्चों का पेट काट के ली जाए? नहीं पढ़ना आगे मुझे, मैं काम करूंगा, आपके दुख सुख में हिस्सा बताऊंगा। प्रकाश प्रकाश, ए बोई, तो तुम्हारा बिरोधर गौर में है, 3 महीने से को रुपयों नहीं दिया। क्या 300 रुपयों लेना है? तुम फिक्र ना करो खान, तुम्हारा सारा पैसा मिल जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कुछ योद रुको, तुम उसको बिरोधर है, कुछ हम तुमसे ले लेगा। लाला जी, आज से मैं आपके प्रेस में काम करूंगा, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। कॉलेज छोड़ दिया है? क्यों? इसलिए कि मुझे काम करना है, कर्जा चुकाना है, घर में खुशहाली लानी। प्रकाश, क्या इतना पढ़ने लिखने के बाद भी तो ये छोटा सा काम करेगा? काम कोई छोटा नहीं होता लाला जी, और फिर मेरे पास जाया करने के लिए इतना वक्त नहीं कि नौकरियों के लिए अर्जियां लिखता फिरूं और जवाब के लिए महीनों भर इंतजार करता रहूं। मगर फिर भी अगर आप नहीं मानते तो मैं जाता हूं कहीं और नौकरी ढूंढ लेता हूं। नहीं नहीं प्रकाश, अरे मैं तो दिल से चाहता था कि तू कुछ काम करे और तुम मेरे साथ काम करे, इससे ज्यादा मुझे और खुशी क्या होगी। बेटा ये सब सुन, तुम लोग सब जाओ अपने अपने घर, शर्म नहीं आती लोगों को तमाशा दिखाते हो? मेरी नकल क्यों पहनी? पहनी है तो क्या हुआ, तेरा छोटा भाई है, कोई दुश्मन तो नहीं? मैं पहनूंगा, 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 मैं पहनूंगा। ये तो है ही क्लेश आया, जब देखो रोता रहता है। मैं क्या पहनूंगा? तू तू अंगोछा लपेट ले, जा जा मेरा अच्छा बेटा। भाभी, पूरे महीने का सामान ले आया हूं, गेहूं चक्की पे पीसने दे आया हूं और चावल जरा कम लाया हूं, बहुत ज्यादा महंगे हो गए। महंगे हो गए तो ना लाता। क्यों ना लाता, मुझे मालूम है थाली में चावल हो तो भैया दोगुना खाते हैं। चाचा मुझे भी चावल अच्छे लगते हैं। आपको भी चावल अच्छे लगते हैं, लेकिन जनाब ये मौलाना कैसे बन गए? निक्का काम बेच खाई हर गई और लादो ना हर गई। भाभी मुझे कह दिया होता मैं इसके निकल भी ले आता। तू कब तक लाता रहेगा, निकल आती है तो कमीज फट जाती है और कमीज आती है तो निकल फट जाती है। लेकिन वो भैया की सफा का क्या हुआ? वो तो हर महीने पठान को देनी पड़ेगी। पापा मेरा फ्रॉक भी खराब हो गया। हाँ तेरा फ्रॉक भी आ जाएगा। हमारे लिए स्वेटर ला दो ना, बड़ी ठंडी लगती है। स्वेटर भी ला देंगे बेटा, स्वेटर भी ला देंगे। चाचा मुझे जूता ला दो, देखो ना इसमें से दुनिया दिखाई देती है। अच्छा बेटा। बड़ी से बढ़िया जगह।
कंपनी के 500 पैड, आनंद के 2 नॉवल, बच्चों की दुनिया की 5000 कॉपियां, छोटा रहा मिठाई वाला के 5000, इश्तहार सिनेमा के 10000। अरे बस 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 बस, तुमने ये भी सोचा है कि अपनी छोटी सी सिंगल मशीन से इतना काम होगा कभी? सही, 10-15 रोज में उतने ऑर्डर और ले आऊंगा। ये सब करेगा कौन? मैं करूंगा लाला जी, दिन रात करूंगा। पैसा कीजिए कि जल्दी से जाके इंक गैली और नई टाइप ले आई। और ये देख प्रकाश, ये सब काम करवा के मैं तेरी सेहत खराब नहीं होने दूंगा। अगर काम से सेहत खराब होती है तो लानत है ऐसी सेहत। अरे मगर फिर भी लाला जी, अगर आप मुझे रोकते हैं तो मैं अभी प्रेस छोड़ के चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ। अरे सुन तो, पर जब भी कोई बात कहता हूँ तू मुझे यही धमकी देता है और अपनी मनवा लेता। तो फिर ऐसा कीजिए कि जल्दी से जाके इंक गैली और नई टाइप ले आइए, जल्दी से। प्रकाश देखो तो मेरी मुट्ठी में क्या है। कह रहे थे कि प्रकाश को शगुन की खड़ी पहना कर शादी की बात पक्की कर दूंगा। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। क्यों? जिस घर को दिन रात काम करके स्वर्ग बनाना है उस घर में एक और इंसान बढ़ जाएगा तो तू ही बता वो घर कैसे चलेगा। तो तुम मुझे घर पे भार समझते हो? मैं ये बात नहीं समझा। शादी एक खुशी का मौका होता है, खुशी जब ही मिलती है जब घर में सुख हो। क्या हम सुन सकेंगे ब्याह के बाजे जब घर के सामने कर्जे वाले चिल्ला रहे हो? क्या हम शादी के कपड़े पहन सकेंगे जब बच्चों के पास जूते तक ना हो? नहीं संदेह नहीं, बस 2-4 महीने मुझे और दे दो, जब तक मैं बहुत कुछ कर लूंगा और फिर उसके बाद अपनी संध्या को हंसता खेलता धूमधाम से जाके ले जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी प्रकाश, मगर बापू नहीं मानेंगे। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, मैं किसी की बात क्यों मानने लगा? मोहल्ले वाले तो पागल कहते ही थे, तूने भी पागल कहना शुरू कर दिया। चल प्रकाश को घड़ी पहना, तुझ ही से कह रहा हूं प्रकाश को घड़ी पहना। अब क्या लिख कर दूं? प्रकाश को घड़ी पहना। लो भाई बात पक्की हो गई, तू उससे खावा खा डरती थी। प्रकाश जैसे शरीफ लड़के के लिए मैं 2-4 महीने इंतजार भी कर सकता हूँ। सुन तो।
देखिए तो भला कितनी चूड़ियां पहन रखी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तुम्हें इतना खुश देखकर मुझे तो डर लगने लगा। क्यों? कहीं तुम इतनी खुशी पाकर मुझे भूल ना जाओ। जिसने मेरे सारे दुख भुला दिए उसे कैसे भूल सकता हूँ। घड़ी जो उतारती। अरे पगली, काम काज में खराब हो जाती है इसलिए सीने से लगा रखी है। देख प्रकाश जी। लाला जी, अरे राम एंड कंपनी का बिल आ गया, ये ले रुपए, भाभी को जाके दे, बड़ी खुश होगी। भाभी के बच्चा होने वाला है। तेल और न बाती न काबू, हवा पर दिए क्यों जलाए, चला जा रहा है। न तेल और न बाती न काबू, हवा पर दिए क्यों जलाए, चला जा रहा है। उजालों को तेरे स्याही ने घेरा, निगल जाएगा रोशनी को अंधेरा। उजालों को तेरे स्याही ने घेरा, निगल जाएगा रोशनी को अंधेरा। चिरागों की लौ पर धुआं छा रहा है, दिए क्यों जलाए, चला जा रहा है। न तेल और न बाती न काबू, हवा पर दिए क्यों जलाए, चला जा रहा है। न दे दोष भगवान को भोले भाले, खुशी की तमन्ना में गम तूने पाले। न दे दोष भगवान को भोले भाले, खुशी की तमन्ना में गम तूने पाले। तू अपने किए की सजा पा रहा है, दिए क्यों जलाए, चला जा रहा है। न तेल और न बाती न काबू, हवा पर दिए क्यों जलाए, चला जा रहा है। तेरी भूल पर कल ये दुनिया हंसेगी, निशानी हर एक दाग बन कर रहेगी। तेरी भूल पर कल ये दुनिया
हंसे दी निशानी हर एक दाग बन कर रहेगी भरने की खातिर मिटा जा रहा है दिए क्यों जलाए चला जा रहा है न तेल और न बाती न काबू हवा पर दिए क्यों चलाए चला जा रहा है अभी तक खाना नहीं खाया स्कूल को देर हो जाएगी बेटा लो खाना खा लो हम माँ के हाथ से खाएंगे लाओ मैं खिलाता हूँ पहले बताओ माँ का वो मर गई बेटा किसने मारा मैं उसे मारूंगा नहीं लाडले ऐसा नहीं कहते लो खाना खा लो नहीं खाना चलो भाभी यार भैया बच्चों को डांटना अच्छा लगता है डांटू नहीं तो क्या करूं अब इनकी मां मर गई तो इसमें मेरा कसूर है हाँ तुम्हारा कसूर है क्या तुमने मारा है भाभी को बरसों से वो बीमार थी उनके बदन में खून की एक बूंद तक नहीं थी एक के बाद एक बच्चों को जन्म देते हुए उनकी हड्डियों में घुन लगता जा रहा था तुमने कभी सोचा प्रकाश तू मेरे दुखी मन को और दुखी करना चाहता है तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती सच्ची बात में कहे कि शर्म है अगर औरत के मुंह में जबान होती अगर वो लाज और मर्यादा की देवी न होती तो वो बताती कि हर नए बच्चे को जन्म देते हुए उसकी कितनी बार मौत आती मौत का जिम्मेवार इंसान नहीं और फिर बच्चे तो भगवान की मर्जी से पैदा होते हैं भगवान की मर्जी से नहीं इंसान की मर्जी से होते हैं अगर भगवान की मर्जी से होते तो क्या वो चाहता कि उसके नन्हे नन्हे अवतार भूखे और प्यासे रहें उनके बदन पर गंदे और फटे हुए चीथड़े हों जब वो दूध के लिए बिलक रहे हों तो उन्हें माँ की गोद नहीं बल्कि बेदर्दी से जमीन पर डाल दिया जाए प्रकाश इन बच्चों पर जुल्म के जिम्मेदार तुम हो तुम्हारा अंधा विश्वास है जो सिर्फ इनको जन्म देना जानता है अगर यही सोचता कि अगर इन बच्चों की अच्छी तरह परवरिश नहीं की गई इनको अच्छी तालीम नहीं दी गई तो ये गलियों में मारे मारे नहीं फिरेंगे चोर डाकू लुटेरे नहीं बनेंगे जेलों में नहीं सड़ेंगे तो क्या करेंगे तुम जैसे बापों में और उन सांपों में क्या फर्क है जो खुद ही बच्चों को जन्म देते हैं और खुद ही उनको खा जाते हैं तू नास्तिक है पापी है पापी मैं नहीं पापी तुम हो जिसने भाभी की जान ली जिसने इन बच्चों को पैदा किया और इनको भूखा पैसा रखा तुम मुजरिम हो समाज की नजरों में मुजरिम हो मुल्क की नजरों में मुजरिम हो तुम्हारे जैसे मुस्लिम के लिए कानून अगर कोई सजा मुकर्र कर सकता तो वो एक कूनी से कम ना होती चला जा यहाँ आज से तू मेरा कोई नहीं बच्चों पे तेरा छाया पड़ना भी हराम है बच्चों का दुश्मन है भगवान का दुश्मन इस दरवाजे में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा
उसके लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। आज तक भैया के सामने मुंह नहीं खोला, हमेशा खामोश रहा हूं। लेकिन जब बात ही इतनी बढ़ गई तो मेरी जगह कोई भी इंसान होता तो चुन्नू भर पानी में डूब मरता। आज तेरे नाम पे हर जगह थू-थू हो रही है। तू दगाबाज है, पापी है। चाचा खबरदार, जो मुझे चाचा का, आज से तू मेरा दुश्मन है। उतार दे ये सगन की घड़ी, उतार। बापू तू चुप रह, सीधी तरह से घड़ी दे दे। अच्छा अब क्या? अगर आइंदा मैंने तुझे प्रकाश के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। औलाद होती तो दर्द होता। तू ना घबरा, मैं इन्हें लिए जाता हूं। जब तू घर जाए तो लेता जाइए। नहीं नहीं, चलो भाई चुनार मुनार, चलो चलो भाई चलो चलो। आज कितने दिनों बाद तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। सच है, बच्चे रोतों को हंसा देते हैं। दीदी चाचा कहाँ है? हाँ दीदी चाचा कहाँ है? क्यों जा? मैं तुम्हारे चाचा को बुला लाती हूँ, मगर बापू के सामने चाचा का नाम मत लेना। वो रामकिशन की दुकान पे गया है। क्यों, ज्यादा थे? जरा बुलवा दीजिए, बच्चों से मिल लेगा। अच्छा मैं अभी बुला के लाता हूँ। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे चाचा आ जाएंगे। अरे ये उछल क्यों रहे हो, क्या बात है? सो
ऐसी की तैसी। ठीक है, मैं किसी भी बहाने से बच्चों को यहीं ले आता हूँ। जी ये बाजा दे दो, ये वो हाथी दे दो, वो घोड़ा दे दो, यो ये चंचला दे दो, ये फुग्गा दे दो, और ये मास्क दे दो। दिया हमने साथी पैसे। ये इस जेब में है। कितने चाहिए? तुम रखो। बच्चे नहीं आए? बापू वापस ले गए। वापस ले गए? मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, बच्चे ने भी जिद की, मगर बापू नहीं माने। प्रकाश इस तरह दुखी मत हो। कैसे दुखी नहीं संध्या? जिन बच्चों को मैंने अपने गोद में खिलाया उन्हें देख भी नहीं सकता हूँ। जिस घर में मैं बरसों रहा उसे अपना तक नहीं कह सकता हूँ। संध्या मैं भी घर जाऊंगा, भैया से कहूंगा भैया मुझे माफ कर दो। मैंने भाभी की मौत पर जो कुछ भी कहा वो महज बकवास थी, मेरी भूल थी। मुझे जाने दीजिए लाला जी, मेरी बातों ने मेरे सगे भाई को मेरा दुश्मन बना दिया, मेरा अच्छा वाला घर मुझसे छीन लिया है। मैंने जिसे चाहा मैं उसे अपना नहीं बना सका। मुझे मत रोकिए लाला जी, मुझे जाने दीजिए। मैं जानता हूं तूने बहुत कुछ खोया है, मगर तू ही तो कहा करता था कि मैं मंगल जैसे गुमराह आदमी को रास्ता दिखाऊंगा। लाला जी मैं दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए अपने घर में आग नहीं लगा सकता हूं। मगर तू अपना घर बचाने के लिए दूसरों के घर तो जला सकता है। बेटा अगर तेरे जैसे नौजवान भी जज्बात की रौ में बह गए तो वो दिन दूर नहीं जब इस बढ़ती हुई आबादी की वजह से करोड़ों इंसान भूख और बेकारी से तड़प तड़प कर मरेंगे। दुनिया में रहने के लिए एक इंच जगह नहीं रहेगी, लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इंसान को इंसान खाने लगेगा और इंसानियत खत्म हो जाएगी। प्रकाश मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगी, तुम्हें बच्चों से मिलाऊंगी, मैं वादा करती हूँ प्रकाश। बापू मेरा प्रास कर दिया, और ला दो ना। और नहीं ला सकते बेटा। चाचा से कह दो और ला देंगे। बापू जी बापू जी चाचा को बुला लाओ ना। चाचा चाचा भूल जाओ चाचा को, अब वो नहीं आएगा। जाओ खेलो खेलो, जाओ खेलो खेलो खेलो। भैया इन बच्चों को जरा प्रकाश से दूरी रखना, बड़ा खतरनाक आदमी है, कहीं किसी दिन ध्यान से ही। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तो संध्या को छोड़ने चला आया था। वैसे भी ये बच्चों को देखने के लिए जिद कर रही थी, और मैंने भी सोचा इसका प्रकाश से दूर रहना ही ठीक है। लेकिन वो बेचारी भी कब तक देखेगी? जब तक जिंदगी है मंगल दादा। देखा, अच्छा तुम फैक्ट्री आ जाना, मैं तुम्हें शाम को घर जाता हुआ ले जाऊंगा। देखो हा? प्रकाश को संध्या से मत मिलने देना, और अगर प्रकाश यहाँ आए हा? तो मुझे फौरन खबर करना। बहुत अच्छा काका। सुनिए एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानेंगे,
प्रकाश के बारे में कुछ कहना चाहती हो? हाँ, आप बापू की बातों पर मत जाइए। यकीन मानिए, प्रकाश आपके और बच्चों के लिए बहुत उदास रहता है, न वक्त पर खाता है न पीता है, उसे हर वक्त घर की फिक्र घेरे रहती है। संध्या, प्रकाश को हमेशा तुमने अपनी निगाह से देखा है, तुम उसे कभी बुरा नहीं समझ सकती। मैं जो देख रही हूँ, काश आप भी वो देख सकते, फिर आपको मालूम हो जाता कि प्रकाश आपको कितना चाहता है, बच्चों को कितना प्यार करता है। संध्या, क्या तुम भी प्रकाश की हमदर्द बनकर आई हो? तुम भी मुझसे यही कहना चाहती हो कि मैं खूनी हूँ? नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझो। बस तो संध्या, इस बारे में मैं कुछ सुनना नहीं चाहता और न कुछ कहना चाहता हूँ। प्रकाश, मंगल दादा फैक्ट्री गए, बच्चों से मिलना तुम चलो। दुलारे, चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं, वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं, तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं, हर कदम पर चुन्नू मुन्नू मिठाई खाते हैं। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। हाथी सारे बांध दिए नन्नी चींटी के पर में, हाथी सारे बांध दिए नन्नी चींटी के पर में, बैलूनों की छतरी से उतरे परियों के घर में, फिर किसी को पकड़ा जकड़ा किसी को पल भर में। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल, छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। मुर्गी पालेगी बच्चे काली बिल्ली के, अब से मुर्गी पालेगी बच्चे काली बिल्ली के, लड़ना भिड़ना बात बुरी कहे से आने दिल्ली के, क्यों वो गोली खाए पाए जो लड्डू तिल्ली के। चली लड़ाई भारी रे, टल टलम टम टलम टल, चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। चल।
श्रद्धा श्रीधर गंगू का काम मंगल और सनातन आ रहे हैं। प्रकाश तुम चले जाओ, तुम चले जाओ प्रकाश, नहीं तो बात खाम खा बढ़ जाएगी। ऐसी भी क्या बात, मान जाओ प्रकाश, मान जाओ, नहीं तो मेरा आना जाना भी बंद हो जाएगा और बच्चों की देखभाल भी ना हो सकेगी। प्रकाश, अच्छी बात है। देखो कोई तुमसे आके पूछे कि खिलौने किसने लाके दिए, कहना दीदी ने लाके दिए हैं। महापाप, बच्चों को झूठ बोलना सिखाया जा रहा है। महाराज, ये पट्टी से प्रकाश की पढ़ाई हुई है, चोरी क्यों आने दिया तूने प्रकाश को यहाँ? कौन कहता है वो यहाँ आया था? हमने अपनी आंखों से देखा है, गंगू की सपुत्री होकर झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? जब से आपको सच कड़वा लेने लगा है। संध्या! गंगू रहने दो, नादान है। नादान मैं नहीं, आप है। जो के महाराज से ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? चल यहाँ से, चल, चल। देखा मंगल, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। प्रकाश का असर अगर संध्या पर पड़ सकता है तो और किस पर नहीं पड़ सकता? पर हम भगवान की माया को अटल रखेंगे, अटल रखेंगे। मेरा बस चले तो सनातन और गंगू को पेड़ दो, उल्टा लटका दो, इस झगड़े की जड़ यही है। बटेश्वर, किसी को भी दोष देना बेकार है, जबकि भैया ही लकीर के फकीर बने हुए हैं। उनके पास जाता हूँ तो शक्ल नहीं दिखाते हैं, और पैसे देता हूँ तो पैसे लेते नहीं। और बच्चों का ये हाल है कि ना उनके पहनने का ठिकाना है, ना उनके खाने का ठिकाना है, और ना ही उनके स्कूल की फीस ही दी जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। प्रकाश, जब हालात को अपने हाथ से बदलने का कोई रास्ता दिखाई न दे तो इस तरह दुखी नहीं होना चाहिए मेरे बेटे, बल्कि इंतजार करना चाहिए वक्त का। वक्त सब कुछ बदल देता है मेरे अजीज, वक्त सब कुछ बदल देता है। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं। शांति, शांति। सनातन जी, मैं ये कह रहा था कि आजकल अपने मंगल का हाथ जरा तंग है, ये मेरे पास आया था, मैं इसे आपके पास ले आया, संस्था की तरफ से इसे कुछ रुपया उधार दिला दीजिए। अवश्य अवश्य, मंगल जैसे उच्च विचार रखने वाले लोगों के लिए हमारी संस्था के द्वार हमेशा खुले हैं। अगले बुधवार को सार्वजनिक सभा होगी और हम उस सभा में मंगल को रुपया दिलवाने का प्रस्ताव रखेंगे। गंगू चाचा, बुधवार में तो भी बहुत दिन है, तब तक तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। सनातन जी, मंगल की हालत ऐसी है कि कुछ जल्दी हो जाए तो अच्छा है। भाई, संस्था की तरफ से जल्दी होना तो मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ बहुत से आदमी हैं, मैं इन्हें समझाता हूँ कि वो कुछ मंगल की मदद करें।
भाइयों, मंगल का हाथ जरा तंग है और इसकी मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि इसने हमारे विचारों की रक्षा की है, अपने भाई को घर से निकाला है और उससे एक पैसे तक की मदद नहीं ली। इसलिए हमारा फर्ज है कि मंगल की मदद करें। हम सब मदद करने को तैयार हैं। मंगल, तू बड़ा भाग्यवान है, ये सब लोग तेरे साथ हैं। आओ भाइयों, जिससे जो कुछ भी बन पड़े इसकी मदद करो। भगवान के नाम पर एक पैसा दे दे बाबा। भगवान के नाम पर एक पैसा दे दे बाबा। भगवान के नाम पर एक पैसा दे दे बाबा। भगवान के नाम पर एक पैसा दे दे बाबा। भीख नहीं लूंगा, मैं भीख नहीं लूंगा। मंगल, मंगल, आप सारे रस्ते रस्ते सबको सदाएं देते हैं। हमको
क्या कहना है इन्हें? नानी मारना है, भीख मांगते हैं गलियों में। भीख मांगते हैं तो क्या हुआ, ये भी तो एक धंधा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जरूरतमंद बच्चों को गाना बजाना सिखाकर भीख मांगने के लिए भेजता हूँ, उनकी जरूरत पूरी हो जाती है और चार पैसे मुझे भी मिल जाते हैं। शर्म नहीं आती बच्चों से भीख मंगवाता है? अच्छा रास्ता दिखाने के बजाय उन्हें कीचड़ में ढकेलता है। नीच कभी नहीं। मुझे स्कूल की फीस चाहिए थी। चाचा मुझे बहुत भूख लगी थी। चलो मेरे साथ। अभी मैं भैया से पूछता हूँ ये सब क्या है। क्या पूछेगा, तू मंगल के लिए मर चुका है लेकिन आज जिंदा हो गया हूँ। भैया से मनवा के रहूंगा कि अगर इंसान चोंच देता है तो इंसान को चारा भी देना पड़ता है। मंगल हरगिज नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा देखता हूँ। सनातन जी अगर मंगल प्रकाश के उसूलों को मान गया तो सारा शहर मान जाएगा। कैसे मान जाएगा, हम प्रकाश को शहर से ही निकाल देंगे। हाँ हाँ मार मार कर निकाल देंगे। बिल्कुल मार मार के निकाल दो। सब लोग मंगल के घर चलो, आज हमें पाप का अंत करके बताना है कि बच्चे भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है। भैया भैया दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा और देखो इनके तरफ तुम्हारे राजा और लाडले गलियों में भीख मांग रहे हैं। अब बुलाओ अपने भगवान को और कहो उससे कि दे इनकी स्कूल की फीस, इनके पहनने के लिए कपड़े और इनके पेट के लिए रोटी। जवाब दो भैया जवाब दो। आज मैं मर जाऊंगा लेकिन ये मनवाए बगैर नहीं जाऊंगा कि तुम्हारे असूल सच्चे नहीं है। सच्चे हैं और उतने ही सच्चे हैं जितनी के चंद्रमा और सूर्य की रोशनी। याद रखो अगर आज मेरे और भैया के बीच में कोई आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भगवान की माया को कायम रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हाँ, निकालो अगर हिम्मत है तो, ये मेरा अपना घर है। अरे तू घर की बात करता है, हम तुझे शहर से भी निकाल देंगे। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। ये सब लोग यही फैसला करके आए हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। सनातन तू इस बात से उतर आया। आइयो इसने सनातन जी पर हाथ नहीं उठाया, हमारी मर्यादा पर हाथ उठाया है, हमारे धर्म पर हाथ उठाया है। मैं क्या रहूं मारू पापी को। भैया
बापू, अब तो पड़ गई कलेजे में ठंडा, हो गए पूरे अरमान। बेटी, मुझे बेटी मत कहो, मैं तुम जैसी हत्यारे की बेटी कहलाना भी पाप समझती, तुम्हें धरती का बोझ समझती, हमारे असूलों को एक बीमारी और संस्था को गंदा खून समझती। संध्या, संस्था पर कीचड़ ना उछाल। मैं तुम्हारी संस्था से नहीं डरती, तुम्हारी संस्था ने इन बिलखते हुए बच्चों से माँ की गोद छीन ली, बाप का प्यार छीन लिया, इन फूल जैसे बच्चों का क्या होगा? बोलो, बोलो क्या होगा? ये बच्चे अब भी पढ़ लिख सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मंदिर और अनाथ आश्रम के दरवाजे हमेशा खुले हैं। नाथन, खबरदार जो अनाथ आश्रम का नाम लिया तो भैया की जान लेकर भी तुम्हें शांति नहीं मिली जो अब इन्हें बर्बाद करना चाहते हो। कहां गया तुम्हारा बच्चों से वो प्यार, वो ममता, जब तुम चिल्ला चिल्ला के कहा करते थे कि बच्चे भगवान की देन है, प्रभु का आशीर्वाद है? क्या वो सब झूठ था, पाखंड था? आंखें खोल के देखो, तुम्हारे अंधविश्वास की आग में सिर्फ एक घर नहीं, ऐसे हजारों और लाखों घर तबाह हुए जा रहे हैं। ऐसे घर जहां एक के बाद एक बच्चों को जन्म देते हुए लाखों और करोड़ों माएं अपने बीमार बच्चों को सूखे सीने से लगाए हुए दिन ब दिन मौत के दरवाजे के पास पहुंच रही है। क्या तुम्हारी नजर उन लोगों पर नहीं जाती जो दिन रात काम काज की चक्की में पिस पिस कर भी अपना और अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर सकते? क्या तुमने गलियों और सड़कों में मारे मारे फिरते हुए उन अनगिनत बच्चों को नहीं देखा जो लोगों की खैरात पर पलते हैं और कुत्तों की मौत मर जाते हैं? क्या तुमने उन सफेद पोश लोगों के अंधेरे घरों में झांक के नहीं देखा जो बढ़ती हुई गृहस्थी के बोझ से दबते हुए भी लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाते लेकिन खुद अपने हाथों अपना गला घोंट के मर जाते? इन सब मुसीबतों के जिम्मेदार कौन है? उधर देखो, वो खामोश रह के भी कह रहे हैं कि अंधविश्वास की आग में जल के जो हाल मेरा हुआ है वो किसी का भी हो सकता है, जो अंजाम मेरा हुआ है वो सभी का हो सकता है। चलो बेटा। कहाँ जाएंगे चाचा? कहीं भी जाएंगे बेटा, किंतु यहाँ से बाहर तो जहाँ के लोग ऐसे नहीं होंगे, जहाँ बच्चों की मोहब्बत का सही मतलब समझा जाता होगा। इन लोगों ने हमारा बहुत कुछ लूटा है, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। छोड़कर मत जाओ भाई, प्रकाश बच्चों के खिलाफ नहीं है, वो यही चाहता है कि एक और दूसरे बच्चे की उम्र में कुछ सालों का फर्क हो ताकि बच्चे की माँ अच्छी सेहत में रहे और हर बच्चे का ध्यान से पालन पोषण हो सके। इस तरह हर बच्चा हृष्ट पृष्ट रह सकता है और उनके दिलो दिमाग महापुरुषों जैसे बन सकते हैं। हर एक बच्चा एक ऐसा दीपक बन सकता है जो अपनी रोशनी को फैलाकर लोगों को अंधेरे में राह दिखाता है। सनातन जी, प्रकाश और उसके असूलों वाले नास्तिक नहीं, भगवान को उतना ही मानने वाले हैं जितना कि आप। भगवान एक ऐसी शक्ति है जिसका सहारा हर आदमी हर वक्त चाहता है। Yeah.
मेरी समझ में एक बात नहीं आती। क्या? लोग घरों में पैदावार बढ़ाने की बजाय खेतों में पैदावार क्यों नहीं बढ़ाते? चलो।